अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और मैं हूं आपका भाई मियां शाफी। तो आज का व्लॉग किस बारे में है, आपको याद होगा कुछ दिन पहले हम सब ने मिलके एक मस्टैंग ली थी। हम सब से मतलब आप जो वीडियो देख रहे हैं और मैं, हमने एक गाड़ी ली थी मस्टैंग, जो कि 5-6 डेज पहले हमने ली थी। आज वो गाड़ी माशाल्लाह रेडी हो चुकी हुई है, तो आपके साथ गाड़ी का मतलब डिटेल शेयर करता हूँ कि गाड़ी रेडी हो चुकी है, गाड़ी कैसी लग रही है, क्वालिटी ऑफ वर्क कैसा है हमारा, तो ये सारी चीज़ें आपको आज पता चलेंगी। दूसरा, इस गाड़ी को हमने विद इन 6 डेज के अंदर रेडी किया है। आज हम इस गाड़ी को लेके जाएंगे गैराज से, थोड़ा सा इसको चलाएंगे, देखेंगे कोई चीज़ की कोई भी छोटा मोटा एरर आ जाता है, विच इज़ वेरी नॉर्मल, तो हम उस चीज़ को भी सॉर्ट आउट करेंगे अगर आता है। पहली बात, आता ही नहीं है। अब ये गाड़ी को लेके किस तरह जाएंगे, हमारे पास एक्सपेरिमेंट प्लेट होती है, वो गाड़ी पे लगा दी गई है, अब गाड़ी को हम बाय ड्राइव कर सकते हैं। अब ये गाड़ी कहाँ जा रही है, ये गाड़ी सेल आउट हो चुकी हुई है, ये गाड़ी कतर जाएगी। इन शॉर्ट बताने का मतलब ये है कि अगर आप यूएई में नहीं हैं, कतर, ओमान या किसी भी जगह पे हैं, तो हम आपको गाड़ी बना के भेज सकते हैं, आप हमसे गाड़ी फिर भी ले सकते हैं। तो सारी चीज़ें आज आपका भाई शेयर करेगा, आपने मेरे साथ जुड़े रहना है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि इस तरह की चीज़ों में आपके साथ शेयर करता रहूँ, आपको पता चलता रहे, और जो चीज़ों का आपको आइडिया नहीं है उन चीज़ों का आपको आइडिया भी होता रहे। तो वीडियो एंड तक देखनी है, मज़ा आएगा। तो मुस्वा भाई, फिर गाड़ी कहाँ तक पहुँची है? गाड़ी इंशाल्लाह 6-7 दिन में रेडी हो जाएगी। छोटे मोटे से काम है, कुछ पार्ट्स आने हैं, कि इस गाड़ी के पार्ट्स अरेंज करना भी हर किसी की बस की बात नहीं है, तो ओरिजिनल पार्ट्स इंशाल्लाह 6-7 दिन के अंदर हमारी जो सुप्रा है वो रेडी हो जाएगी और आप उसे रोड पे देखेंगे, अंदर आपका भाई होगा। तो खैर, अभी मैं आपको मस्टैंग का थोड़ा सा दिखा देता हूँ, थोड़ा सा बता देता हूँ, तो फिर मस्टैंग आपको दिखाते हैं। ये रही जी वही मस्टैंग जो आपके सामने किस हालत में थी, जो इसका एक्सीडेंट हुआ था, और अब आप गाड़ी देख रहे हैं, ब्यूटीफुल यार। तो भाई रिव्यू देना ज़रा गाड़ी का फिर आप। ये गाड़ी फुल रेडी हो चुकी है, इसको भी टेस्ट ड्राइव कराना है, आपको इसके इंजन भी दिखाते हैं, जहाँ से आप लोग देखी थी कि लगी थी काम आप देखो। तो मुस्तफा भाई बोनट खोल के भी आपको दिखा रहे हैं। खैर, गाड़ी अभी इस टाइम गंदी हालत में इसलिए कि इसको वॉश वगैरह नहीं कराया, सुबह गाड़ी की इंस्पेक्शन है, तो उसके बाद इसको क्लीन करवा के पॉलिश वगैरह ईच एंड एवरीथिंग होगी इंजन की आपको। ये देख सकते हैं आप लोग, बिल्कुल क्लीन 2.3 टर्बो इंजन है, फ्यूल एफिशिएंसी भी बहुत अच्छी है, लुक वाइज बहुत अच्छी है, और मैं प्रेफर यही करेंगे हम लोग। खैर, तो गाड़ी सारी रेडी हो चुकी है और गाड़ी में अब कोई काम नहीं है माशाल्लाह से, अब जस्ट गाड़ी को लेके जाना है, इसको एक रोड टेस्ट होगा जिसमें हम देखेंगे कि कोई चीज़ ऐसी तो नहीं है जो कि ठीक होने वाली है। आपको पता है कि गाड़ियों में कोई माल फंक्शन आ जाता है, ये सारी चीज़ों को देखना भी ज़रूरी होता है। तो खैर, हम ये सारी चीज़ों को किसी भी क्लाइंट को गाड़ी भेजने से पहले इनका ख़ुद मेक श्योर करते हैं कि यार उसको कोई एक छोटी सी भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। जी भाई, फिर पूरे आ गए हैं आप इसमें? पूरे आ गए हैं, सीट पीछे करनी पड़ेगी, कोई एरर नहीं है गाड़ी में, बिल्कुल मीटर क्लीन है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि गाड़ी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, ये 2022 मॉडल है, लेकिन ये गाड़ी फुल स्पेक्स है, कोई एक ऐसी ऑप्शन नहीं है जो कि गाड़ी में नहीं है, मतलब खूबसूरत, मैं कह रहा हूँ एक कंप्लीट पैकेज है। ऊपर से आजकल जो मौसम है वो भी कन्वर्टेबल वाला है। मज़ा आया फिर तो भाई, फिर चलें, क्या कहते हैं? चलें भाई, लेट्स गो। आज फिर इसी नंबर प्लेट पे चलते हैं यार, लोगों को इस नंबर प्लेट का तो बता दें थोड़ा सा। तो इसको कहते हैं एक्सपेरिमेंटल
नंबर प्लेट जो कि यहाँ पे हर बंदा नहीं ले सकता, ये 30 से 35 हज़ार दिरहम की सिर्फ ये प्लेट होती है जो कि शोरूम वालों के पास होती है। ये प्लेट को वो तब यूज़ करते हैं जब कोई क्लाइंट उनसे गाड़ी ख़रीदने आता है तो वो एक टेस्ट ड्राइव के लिए लेके जाता है, या एक मैकेनिक जब गाड़ी बना लेता है तो रोड टेस्ट के लिए उसको लेके जानी पड़ती है। वो गाड़ियाँ जो कि रजिस्टर्ड नहीं है तो वो इन नंबर प्लेट्स को यूज़ करता है। ये नंबर प्लेट अब इसलिए यूज़ होगी, अभी गाड़ी ये रजिस्टर्ड नहीं है लेकिन ये नंबर प्लेट लगा के हम इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी एक टाइम ड्यूरेशन है, सुबह 7 बजे से लेके रात 10 बजे तक ये नंबर प्लेट अलाउ है। 10 बजे के बाद आप जाएंगे तो आपको फ़ाइन पड़ेगा क्योंकि इस नंबर प्लेट का वो टाइम नहीं है। तो खैर ऐसा सारी गाड़ी टोटल रेडी हो गई हुई है। अब कौन सी गाड़ी नेक्स्ट होगी? सुप्रा। नेक्स्ट हमारी सुप्रा की है। मुस्तफ़ा भाई ड्राइवर होते हैं हमारे जी। मुस्तफ़ा भाई ड्राइवर किस लिए हैं? किस लिए हैं ड्राइवर? भाई के पास लाइसेंस नहीं है अभी, सिर्फ मेरे पास है। तो खैर मुस्तफ़ा भाई के पास लाइसेंस है और मेरे पास लाइसेंस नहीं है, बस 10-15 दिन तक मुझे भी मिल जाएगा, कोई बात नहीं, हम भी चलाएंगे गाड़ी यार यहाँ पे। पहले इंटरनेशनल लाइसेंस था उस पर चलाते थे, लेकिन खैर है कोई बात नहीं, चलें जी। तो अभी हम कहाँ जा रहे हैं? लो जी, वाओ ये तो लोगो भी आ रहा है बाहर। तो अभी हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं भाई? भाई जा रहे हैं स्मोकी बीच। स्मोकी बीच पे जा रहे हैं मुस्तफ़ा भाई। मुस्तफ़ा भाई बहुत ना नोटी हैं, ये हर दिन पहुँचे होते हैं। किस लिए जा रहे हैं भाई, ये भी बता दें, इससे पहले लोगों को शक कर रहे हैं। बिजनेस मीटिंग है। सही बात है भाई, बिजनेस मीटिंग है। क्लाइंट है एक, उनसे हमने मुलाकात करनी थी तो टाइम हमारा आगे पीछे हो गया, तो अब गराज से जा रहे हैं क्योंकि मोस्टली हम यहाँ नहीं होते, जब कोई गाड़ी देखनी हो क्या कहाँ पे पहुँची है उस दिन आ रहे होते, तो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें चल रही होती हैं तो आना जाना वहीं पे चल रहा होता है यार। बाकी अब गाड़ी को ड्राइव करेंगे ताकि कोई छोटी से छोटी चीज़ भी है तो उसको मेक श्योर कर लें। तो आज मुस्तफ़ा भाई सही मौसम इंजॉय कर रहे हैं, ये कह रहे हैं टेस्ट ड्राइव की टेस्ट ड्राइव और साथ इंजॉय नहीं मैंने छोड़ना। से गाड़ी माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छी गाड़ी है, जिन्होंने अब आगे चलानी है अल्लाह पाक उनके नसीब में अच्छी करे। तो खैर बात ये नहीं होती कि आपने किसी को चीज़ दे दी तो दे दी, आपको जब भी कोई आपके पास आता है तो वो एक ट्रस्ट के साथ आता है, अब ये आप पे है कि आप उस ट्रस्ट पे कैसे पूरा उतरते हैं। तो आपके भाई की कोशिश यही होती है कि कोई भी क्लाइंट आता है चाहे वो हमारी उनके साथ कोई बिजनेस बनता है या नहीं बनता, उसे आप एटलीस्ट अच्छा गाइड कर दो। तो वो जितना हो सकता है हम सबको करते हैं, जिनसे बात नहीं हो पाती तो उसकी भी कोई ना कोई वजह होती है। इधर आके जो बेबसी फील होती है ना बंदे को, वो क्या हो सकती है? गाड़ी आपके पास फरारी खड़ी है रेंटल में, लैम्बो खड़ी है, रोल्स रॉयस खड़ी है, अपनी बेंटले रेडी हो गई है, सुप्रा रेडी होने वाली है, मस्टैंग रेडी हुई हुई है, आप चला नहीं सकते। क्यों नहीं चला सकते भाई? लाइसेंस नहीं है, लाइसेंस पहली दफ़ा पे फेल कर दिया है, अब दूसरी दफ़ा पे स्टार्ट होना है, उम्मीद है इंशाल्लाह। नहीं 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 इंशाल्लाह क्लियर करेंगे। तो मुस्तफ़ा भाई ना बहुत तंग करते हैं यार, मैं भी थक गया बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चला के, लग्जरी गाड़ियाँ चला के। अभी आपका हक है इंशाल्लाह, खैर से आप लाइसेंस ले तो फिर जगह स्वैप होगी। तो बस तो आप अपने भाई के लिए ये भी दुआ करें कि लाइसेंस जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो हम भी अभी आप आजकल मैं क्या कर रहा होता, नई नई जगह की ओपनिंग हो रही होती है, मैं उनको सेव करके रखी जा रहा हूँ अपने पास ना, कि यार लाइसेंस आने दो फिर जाऊँगा, हर जगह जाऊँगा, सबका बदला लेगा। बाप का भाई का सबका बदला लेगा तेरा फैसल फैशन। तो खैर गाड़ी की ड्राइव माशाल्लाह बहुत अच्छी है, हमारी तरफ से ऑल क्लियर है। सुबह इसकी इंस्पेक्शन होगी और इसने एक्सपोर्ट होके जाना है और बाय रोड जा रही है ये गाड़ी, तो इसके लिए ब्लू नंबर प्लेट्स का स्टिकर होता है जो कि ये लगा देते हैं। तो कल गाड़ी इंस्पेक्ट होगी और परसों तक ये गाड़ी के पेपर्स आ जाएंगे जिसमें वो स्टिकर होगा जो नंबर प्लेट की जगह पे लगा लेंगे और वो इसको बाय रोड लेके जा सकते हैं। तो खैर नेक्स्ट वीडियो में इस पर भी डालूंगा कि आप गाड़ी इंपोर्ट करते हैं यहाँ से किसी दूसरे GCC में तो उसका क्या तरीकाकार होता है और क्या चीज़ें होती हैं जो कि करनी है, सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। मुस्तफ़ा भाई क्या कह रहे हैं? कहते जब भी कन्वर्टेबल चलाता हूँ तो कौन याद आता है? शाहरुख खान। न जाने मेरे दिल को क्या हो गया,
लेकिन वो स्विट्जरलैंड है, ये दुबई है, लेकिन इंशाल्लाह स्विट्जरलैंड में भी आपको मिलेंगे हम लोग। कोई बात नहीं मुस्तफा भाई, एक्साइटेड हो जाते हैं कभी कभी, आप लोगों ने बुरा नहीं मानना इस चीज़ का। अब आपको आवाज़ सुनाना चाह रहे हैं गाड़ी की ना, ये अगर आती है तो। शाहरुख खान इतनी तेज नहीं चलाता। मुस्तफा भाई भूल गए कि शाहरुख खान ने बड़ी आराम से गाड़ी चलाई थी, तो खैर वो स्मोकी बीच का जो प्लान था वो कैंसिल हो गया। घर से कॉल आ गई, घर जा रहे हैं, तो बाकी आपके साथ शेयर करते हैं आगे की चीज़ें और उसके बाद उसको एंड करेंगे हम। तो ये हम अपने घर के पास घूम रहे हैं, वो बिल्डिंग में आपके भाई का अपार्टमेंट है और ये आगे फूड स्ट्रीट है, आगे स्टार्ट होगी यहाँ पे। वो जो वाइट वाली बिल्डिंग नज़र आ रही है और सामने सी व्यू है, जेट्स की जो शारजा में हो रही होती है वो इधर आपके भाई के घर के पास हो रही होती है, लेकिन मैं अभी तक नहीं गया। और यहाँ पे ये आपके भाई के घर का कॉर्निश है। और अभी मुस्तफा भाई कहाँ जा रहे हैं? हम स्मोकी बीच जा रहे हैं, JBR। मुस्तफा भाई JBR जा रहे हैं। मुस्तफा भाई नहीं बाज आए, कह रहे नहीं घर आओ रेडी हो और चलते हैं यार, आज थोड़ी देर हम अपना भी कोई क्वालिटी टाइम स्पेंड कर लें। तो मैंने कहा चलें ठीक, बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। कोई बात नहीं मुस्तफा भाई, कल बड़ा बिजी दिन है और उसके बाद दो दिन और बड़े बिजी दिन है, लेकिन हमने लोगों को नहीं बताना कि वो कौन से बिजी दिन है, ठीक है? बहुत ख़राब दिन चल रहे हैं, अभी कुछ चीज़ें हैं बीच में। तो आपका भाई आ गया थोड़ा सा फैमिली टाइम स्पेंड करना है, तो व्लॉग हमें यहाँ पे करना पड़ेगा एंड। आज का व्लॉग बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि आपको मैं बता सकता कि मस्टैंग रेडी हो चुकी है, मस्टैंग सोल्ड आउट भी है और मस्टैंग कतर जा रही है। नेक्स्ट व्लॉग में मैं बताऊंगा कि यहाँ से यूएई से दूसरी जगह पे गाड़ी बेचनी होती है, उसका प्रोसीजर क्या होता है। हालांकि जो भाई जिन्होंने मुझसे परचेज किया है उन्होंने बाय रोड इसे लेके जाना है, तो बाय रोड लेके जाने का क्या तरीकाकार है और क्या चीज़ें हैं जिनको देखना पड़ेगा, करना पड़ेगा, तो खैर ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट व्लॉग में डिस्कस करेंगे। इससे अलावा इससे पहले जो नेक्स्ट व्लॉग आएगा वो यूएसए को पार्ट पर आएगा, तो तब तक मुझे तो इजाज़त, सब्सक्राइब कर लें।